वो भी मजबूरी में ही आते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो आप लोग ना उसके साथ ऐसा मत करिए। तो आग जल चुका है, बैठा दो। अब नमक मिर्च छिड़क नमक मिर्च गर्म पानी बैठा दो। और दोस्तों, किस तरह से नए नए लड़के लोग जो ज्वाइन करते हैं उनके साथ जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो मेन चीज़ क्या है ना, मैनेजर यहाँ पे ना लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। हालांकि मेरे को ना आज तक इस घर में कुत्ता दिखा नहीं देती। तुम बस नज़र बनाए रखना, कहीं से आ ना जाए चिड़िया इधर से। तो भाई इस घोंसले में ना शायद अंडा वगैरह देने वाले हैं चिड़िया, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। लेकर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल दोस्तों, मैं तैयार होकर आ चुका हूँ पुलिया के ऊपर और अभी जा रहा हूँ अमेजोन ऑफिस। और बहुत सारे भाई लोग का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। जो भी नए नए डिलीवरी बॉय बनते हैं और ऑफिस स्टाफ से कितना सपोर्ट मिलता है, क्या क्या होता है जिसके कारण से नए नए लड़के जो है वो काम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलहाल सुबह हो चुकी है और देख ही सकते हैं मस्त सूरज देवता का भी दर्शन हो चुका है और धूप खिल चुकी है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जो ज्वाइन करते हैं और दो दिन चार दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं, क्यों ऐसा नौबत आ जाता है जिसके कारण वो काम छोड़ देते हैं, ऑफिस स्टाफ से ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण से काम छोड़ देते हैं, वो चीज़ मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास है 5 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारे भाई लोग का भी कमेंट रहता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है हमेशा। तो आप लोग बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, चलते हैं ऑफिस और आप लोग को बताने वाला हूँ सारा चीज़। अपना बैग जो है तैयार कर चुका हूँ, दो झोली भर लिया है और एक बैग, मतलब आज ना अच्छा खासा पार्सल मिल चुका है। और चलो भाई निकलते हैं बांटने के लिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सके कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो भाई निकल पड़ा हूँ बांटने के लिए पार्सल, जितना जल्दी हो सके कोशिश करूँगा बांटने की। अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि आज पार्सल भी अच्छा खासा मिल चुका है। चलो हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं, बोन कर लेते हैं फटाख से। चलो भाई फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था पार्सल लेके, 160 रुपये का है, बोहनी कर लेता हूँ फटाक से। हाउस नंबर P4। चलो भाई बोहनी हो चुका है 160 रुपये का, जय हो। अब कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी बांटने की। चलो भाई दो पार्सल हैं सामने वाले घर का, फटाक से देखकर आता हूँ। हालांकि प्रीपेड नहीं है, COD पार्सल है। कब चलाना पड़ेगा मेरे को, पार्सल था बोल दीजिएगा, पार्सल आपके मम्मी का बोल दीजिए। चलो भाई चिल्लाना नहीं पड़ा मेरे को। चलो भाई दोनों पार्सल का ऑनलाइन पे किए हैं और दो कस्टमर जो है ना कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, छोड़ के आ गया हूँ उस एरिया का पार्सल, फिर से मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ चलो चलते हैं, अभी दो झोली का पार्सल फटाफट से ख़त्म करता हूँ जल्दी से। तो यहाँ का एक पार्सल लेकर आया हूँ और यहाँ पे ना लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। हालांकि मेरे को ना आज तक इस घर में कुत्ता दिखा नहीं देती। घंटी बजा रहा हूँ, बज रहा है कि नहीं पता नहीं, 3-4 बार बजा चुका हूँ, लेकिन कोई भी बाहर जो है ना आ नहीं रहे हैं। और दोस्तों बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है तभी वो काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे छोटा मोटा काम, उसमें से एक काम जो है डिलीवरी बॉय का। तो डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए भाई लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है उनके साथ कि भाई इतना परेशान हो जाने के बाद काम ही छोड़ देते हैं। और मेन चीज़ क्या है ना, परेशान भाई एक डिलीवरी बॉय का काम तो ऐसे ही परेशानी वाला है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑफिस स्टाफ वाले भी उनको परेशान करेंगे तो काम कहाँ से कर पाएंगे। इतना दिक्कत जाता है, दिक्कत के कारण ही भाई कुछ भाई लोग 2-3 दिन के अंदर ही काम छोड़ देते हैं। हालांकि मैं अभी ट्रेनिंग दिया हूँ कुछ लोगों को, उसके बाद काम पे नहीं आया क्योंकि बोलते हैं कि नहीं सकूँगा काम करने इस तरह से। तो भाई ये वाला घंटी जो है ना ख़राब हो चुका है और मैं बजा रहा हूँ कब से, मैं सोच रहा हूँ कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर, फिर उसके बाद कॉल किया अभी तो बोले कि आ रहा हूँ।
और दोस्तों कोई भी काम होता है ना, चाहे वो कलेक्टर का हो चाहे चपरासी का, शुरुआती दौर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शुरुआती टाइम में अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ ऐसा लगता है। मैं भी जब ज्वाइन किया था तो मेरे को भी लगता था भाई कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन भारी दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत हुआ, लेकिन छोड़ा नहीं था, करता गया और अभी तक किए जा रहे हैं। 5 साल बीत चुका है। लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है लेकिन कस्टमर जो है कॉल उठा नहीं रहे, यही दिक्कत होता है यार पूछ के देखता हूँ। हेमंत कुमार जी का घर यही वाला है क्या? हेमंत कुमार जी का घर यही वाला है थोड़ा पूछिए ना, थोड़ा हेमंत कुमार जी का घर यही वाला है। हेमंत कुमार हाँ, बस इतना ही लिखे हैं, नहीं है। हरिओम किराना स्टोर, हाँ लेकिन यहीं पे तो लेते हैं पार्सल। किराए वाले होंगे शायद, ये वाला घर है कि ये वाला, किराए पे रहते हैं लेकिन उनको भी पता नहीं है हेमंत कुमार चलिए दोस्तों वहाँ का पार्सल देकर आ गया था। कस्टमर जो है ना मोबाइल को साइलेंट करके रख दिए थे, इसी कारण से कॉल किया जा रहा था उठा ही नहीं रहे थे। और फिलहाल इस घर का 3 पार्सल हैं। और दोस्तों किस तरह से नए नए लड़के लोग जो ज्वाइन करते हैं उनके साथ जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो मेन चीज़ क्या है ना, मैनेजर, सुपरवाइज़र और यहाँ तक कि पुराने जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, वो भी उनके साथ नए लड़के लोग के साथ गलत करते हैं। इसी कारण से भाई परेशान होकर काम छोड़ देते हैं। मैनेजर का काम है मस्त काम धाम अच्छे से करवाना, लेकिन वो क्या करते हैं पता है, बहुत जगह लड़के आए, नया लड़का, आज इस एरिया भेज दिए, कल उस एरिया, मतलब हर दिन एरिया चेंज करते रहता है, जिससे कि नए लड़के को कहाँ से एड्रेस पता रहेगा, कुछ भी पता आता नहीं रहता है। हर दिन अगर अलग अलग जाएगा डिलीवरी करने के लिए तो सुबह से शाम क्या रात हो जाता है पार्सल डिलीवरी करने में, उसी कारण से लड़के लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं और फिर काम जो है छोड़ देते हैं बहुत कोई। और ऊपर से क्या करते हैं पता है, जो पुराने डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना, नए डिलीवरी बॉय आते हैं जॉब के लिए, तो उनके साथ क्या करते हैं कि उनको पार्सल जो है ना ऐसा ऐसा पार्सल देता है जो डिलीवर होने में लेट लगेगा या फिर शाम हो जाएगा या दूर दूर का रहेगा, वही पार्सल को पुराने डिलीवरी बॉय जो है वो देते हैं नए डिलीवरी बॉय को डिलीवर करने के लिए। तो ये चीज़ गलत होता है, गलत करते हैं, इसके कारण से भाई लोग परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे भाई लोग मेरे को पास कमेंट किए थे कि भाई मैं आपका वीडियो देख के ज्वाइन किया हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ना हर जगह होता है भाई, आप कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे ना कोई सा भी काम, तो नए पुराने लोग जो है ना नए लोग के साथ शोषित तो करते ही हैं हर जगह। पार्सल था ले लीजिएगा, ठीक। चलो भाई चलते हैं, बरसात टाइम ना यहाँ पे आने में भारी दिक्कत होता है, क्योंकि खेत पूरा भरा हुआ रहता है पानी से। और दोस्तों ऐसा ना मैं तो बोलना चाहूँगा, जो भी मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र या फिर पुराने डिलीवरी बॉय जो है देख रहे हैं वीडियो, भाई आप लोग ना नए जो लड़के आते हैं ज्वाइन करते हैं वो भी मजबूरी में ही आते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, तो आप लोग ना उसके साथ ऐसा मत करिए, इससे भाई परेशान हो जाते हैं लोग। मजबूरी में काम करते हैं लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। और कुछ दिन अगर नए लड़के लोग अगर काम कर लेते हैं उसके बाद अगर काम सही से कर नहीं पाते तो क्या बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, निकाल देते हैं काम से, पैसा भी नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जो भी लड़के लोग ज्वाइन करते हैं नए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। कम से कम 1 से 2 महीना तक तो लगता है एडजस्ट होने में, कोई सा भी काम रहता है। हम लोग का काम ऐसा है कि भाई लोकेशन खोजो, एड्रेस पे जाओ, कस्टमर्स को हैंडल करो, कितना सहना पड़ता है पता है। ऑफिस आने के बाद भाई मैनेजर का सुनो, पार्सल डिलीवर नहीं हुआ तो उसका सुनो, उसके बाद भाई कस्टमर लोग का बात सुनो, कितना दिमाग में टेंशन रहता है, फिर भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन
नए लड़के लोग जो आते हैं उनके साथ जब मैनेजर या सुपरवाइज़र या फिर पुराने डिलीवरी बॉय इस तरह से करते हैं, जिससे क्या बताऊँ यार, इतना मजबूर हो जाते हैं कि काम ही छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, अगर आप पुराने डिलीवरी बॉय हैं तो नए डिलीवरी बॉय जब भी आते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करिए, इससे उनका भी मन लगे काम करने में। और मैनेजर साहब लोग, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत कर, डिलीवरी बॉय को कठपुतली मत समझिए कि आज यहाँ नचा दिया कल वहाँ नचा दिया। जब फील्ड पर जाते हैं जो वही समझते हैं कितना दिक्कत का सामना करना होता है। ऐसा करते हैं, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया मैनेजर जो है ऐसा करते हैं मेरे साथ, डिलीवरी बॉय पुराने जो है मेरे को ऐसे ऐसे पार्सल देते हैं जो दूर दूर का पार्सल रहता है, जो समझ में नहीं आता वही पार्सल देते हैं, ऐसा बहुत कोई करते हैं। तो भाई इसी कारण से नए लड़के लोग जो है ना 3-4 दिन के अंदर ही काम छोड़ देते हैं, यही कारण है, मेन कारण, और बाकी कोई कारण है नहीं। चलो भाई जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। मैं भी जब ज्वाइन किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, अब क्या करें। हर जगह होता है भाई, चाहे अच्छा पोस्ट में रहो चाहे छोटा पोस्ट में रहो, सीनियर जो है ना हमेशा दबाव के रखते हैं, रॉब जमाना चाहते हैं। और चलो भाई यहाँ के एक पार्सल लेकर आया था, आज तो दरवाज़ा खुला हुआ है, नहीं तो खटखटाते खटखटाते हालत ख़राब हो जाता है। चलो भाई पूरा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ का लेकर आया था 2 पार्सल, इसको दे दूँगा, उसके बाद भाई और 3-4 पार्सल बचा रहेगा, काम ख़त्म करके घर जाते हुए देते हुए चला जाऊँगा। तो भाई चलो भाई काम ख़त्म करके आ गया था, भाई पैसा वैसा जमा कर चुका हूँ, चलते हैं घर। ये वाला प्रीपेड पार्सल है और इसमें 5 पार्सल हैं, देते हुए चला जाऊँगा। दे दीजिएगा बोले हैं। हाँ चलो भाई 4 पार्सल था इसलिए लेकर आ गया था घर के पास था। अरे पासा ही से महात्री वाला महातारी योजना वाला पास आई थी कि नहीं, क्या मोबाइल दे तो चेक करो जहाँ मैसेज ऐसे निकल। ओ भाई इतना गर्मी, भूख लगा है जम के, तुम बस नज़र बनाए रखना कहीं से आ ना जाए चिड़िया इधर से। तो भाई इस घोंसले में ना शायद अंडा वगैरह देने वाले हैं चिड़िया, बस पकड़ के रखना अच्छे से, गिरा मत देना तो तोता उड़ मैना उड़ हो जाएगा, ये कहीं गिर ना जाए इसलिए ना इसको अच्छे से बांध देता हूँ, देख लेता हूँ भाई अंडा दिया है कि नहीं दिया है अंडा अभी तक, नहीं दिया है ना, कुछ कुछ रख रहा है ना उसके अंदर, दो रस्सी दो की दे सके चाहिए ओके चलो बतख। तो भाई शाम हो चुका है, ठीक है, और सूरज देवता का भी दर्शन अभी नहीं होगा यार, डूबने ही वाला है। ओ भाई गैया माता जी जय हो।
ये भी आ गए हैं अपने घर पे। पोको महाराज को क्या हो गया है, आजकल उदास रहने लगा है। क्या हुआ पोको, बीमार उमार तो नहीं पड़ गया है? सुस्त हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। और दोस्तों आज टोटल पार्सल जो है ना लेकर गया था 56 में एकमात्र पार्सल जो है कस्टमर लिए नहीं, मतलब कि कॉल ही रिसीव नहीं किया, बाकी 55 पार्सल डिलीवर किया। और आज का जो इनकम जो है 660 रुपये कमाया है। ठीक है, कैसे पोको, खुश है ना आज मेरे कमाई सुन के? बीमार ही हुआ है मेरे को लग रहा है जहाँ तक। और अभी फ़िलहाल खाना पीना बनने वाला है, मेरे को बनाना है साथ में सृष्टि के साथ, क्योंकि मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। चलो जाओ अंदर। तो भाई लकड़ी जो है ना उसको तोड़ लेता हूँ, रात का खाना बनाना है इसीलिए। इधर से लूँ कि उधर से लूँ वही सोच रहा हूँ। ओए तुम लोग क्या अंदर, क्या चल चल चल। ये तो पहले से टोड़ा हुआ है, तोड़ के साथ रख दिए कैसे। चलो भाई इतना सारा लकड़ी जो है ना ले चलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। आग जल चुका है, बैठा दो। अब नमक मिर्च छिड़क देती हूँ। नमक मिर्च गरम पानी बैठा दो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। आग जलेगा कभी ऐसे कि बुझने का नाम नहीं लेगा, जब नहीं चलेगा तब तो धुआं धुआं। वो तो देसी स्टाइल में लकड़ी में ऐसे ही बनता है धुआं। तो गैस भर भाई उस टाइम बोली लेके आओ तो सुने नहीं आने को। हाँ तो भाई चावल बन चुका है और सब्जी चढ़ा दिए हैं, ये भी लगभग बनने ही वाला है, मतलब बन ही गया है, 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। इतना गिरना नहीं चाहिए। सोयाबीन और आलू की सब्जी। तुमसे चला हो गया, पक गया है, उतार दो अपना।